खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज से। तमंचे के बल पर महिला के साथ दुराचार। सौरिक थाना क्षेत्र में दिन प्रतिदिन दुराचार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला चौकी चपुन्ना के अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर आरोपी द्वारा महिला के घर में घुसकर तमंचे की नोक पर दुराचार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, देर रात महिला अपने घर पर सो रही थी, उसी समय संदीप तिवारी पुत्र राम बाबू निवासी चपुन्ना ने महिला के घर पर धावा बोल दिया। उक्त युवक द्वारा महिला के साथ तमंचे की नोक पर दुराचार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। महिला की चीख को सुनकर पति द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को महिला के घर से गिरफ्तार किया गया तथा उक्त आरोपी के कब्जे से तमंचा भी बरामद किया गया। पुलिस द्वारा मामला पंजीकृत कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जाओ दारू ले के आओ। जब दारू लेन चले गए, हम घर पे अकेले रहिए, तो इसने एकदम को हाथ पकड़ो, खटिया पर बेड पर डाल लो। किसने? का नाम संदीप तिवारी। कहाँ के हैं? चपुन्ना के। आप? हम जरियापुर। क्या नाम है आपका? रामा देवी। तो कैसे आए थे ये लोग? वो काम करते हमारे पति महाराज उनके घर पे। हाँ, उनके खेती बाड़ी में करते। फिर जब घर पे आए तो ये कही चल दारू लेके आ। जब वो दारू लेने के चले गए, तब इन्होंने हमारे साथ ही दुर्घटना की। जो हमने जबरदस्ती कुछ उठ पाए तो हमने फोन किया कि हमने ये लोग, ये संदीप तिवारी हमारे संग ये कर रहे हैं, बलात्कार हमारे संग किया। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस से की? हाँ, पुलिस स्वयं पकड़ के ले गई। क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई पकड़ के ले गई, मुकदमा लिखा गया।